जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं कमलेश इंटीरियर फर्नीचर वर्क में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे दोस्त कि एक्रेलिक शीट को कटिंग कैसे करते हैं, उसको चिपकाना कैसे, उसको बिठाना कैसे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम एक्रेलिक शीट को कटर मशीन से कटिंग करेंगे। ये हम लाइन डोरी को इसके ऊपर लपेट रहे हैं, ताकि एक्रेलिक शीट के ऊपर स्क्रेच ना आए, क्योंकि एक्रेलिक शीट नाजुक होता है, उसको बचाने के लिए थोड़ा ये धागा लपेट दिया तो स्क्रेच आने का डर नहीं रहता है। अभी धागा का हो गया है, अभी हम कटिंग करना दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं एक्रेलिक शीट है और कटिंग भी होना शुरू हो गया है। आप कटिंग करते एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि मशीन को एकदम धीरे चलाइए और ब्लेड भी नया रखिए, ताकि टूटने का चांस ना रहे। नहीं तो ये सीट मतलब बहुत टूटता है, तो इसके लिए आप मशीन को एकदम धीरे धीरे चलाइए और ब्लेड को नया रखिए, ताकि आपका कटिंग फिनिशिंग बराबर आए। ये बात का आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं कटिंग धीरे धीरे हो रहा है। मैं वैसे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कटिंग धीरे धीरे हो रहा है। आप इस तरह से कटिंग कीजिए, धीरे से कटिंग करेंगे तो आपको टूटने का डर नहीं रहेगा, और इस तरह से आप काट सकते हैं। इस तरह से काट लीजिए, काटने के बाद जगह पर ले जाके आप चेक कर लीजिए। सर से हमारा कटिंग हो गया है, अब हम इसको जगह पे ले जाके चेक करेंगे सही है नहीं है, फिर हम रंदे की मदद से इसको बिठाएंगे। और रंदे से बिठाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, रंदे में धार एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि धार मतलब नहीं रहे तो रंदा मारना शुरू कर दें तो टूट जाएगा ये। इसके लिए आपको ब्लेड को पूरा मतलब धार लगा लेना है, अच्छा तेज कर लेना है, और ब्लेड को एकदम कम से कम बाहर निकालना है। अगर आप ज़्यादा बाहर निकाल के रंदा मार दिया तो भी टूट जाएगा। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको रंदा के ब्लेड को कम से कम बाहर निकालना है। ये देखिए अपना ग्लू है, ये ग्लू फेविकोल जो भी आप बोलो, इससे हम इसको चिपकाएंगे। ये हमारा सीट पे फेविकोल जा रहा, हम इसको सीट को फेविकोल को चारों तरफ लगाएंगे। आप फेविकोल को लगाने के लिए लेमिनेट का कंघी बना लीजिए हेक्सा ब्लेड की मदद से, और अच्छा चारों तरफ बराबर बराबर लगा दीजिए, ताकि चिपकने में दिक्कत ना हो। और एक बात और है, ये ग्लू जो है वो बहुत पतला होता है और ये सूखता बहुत तेज़ी से है। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान देना है कि ग्लू को जल्दी जल्दी लगाना है, ताकि मतलब सूखने ना पाए। अगर थोड़ा धीरे लगाएंगे तो सूख जाएगा, फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। इसके लिए इस बात का आप ध्यान दीजिए कि सूखने ना पाए, उससे पहले ही आप लगा लीजिए। ये देखिए अपना प्लाईवुड के ऊपर भी लग रहा है, आप इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आप लगा सकते हैं, इस तरह से आप लगा दीजिए जिस तरह से लग रहा है। आप कंघी के मदद से चारों तरफ बराबर 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 हिस्से में आप लगा दीजिए। आप देख सकते हैं फेविकोल एक साइड का हो गया है, ये दूसरे साइड का भी लगा रहे हैं। अभी इस तरह से आप फेविकोल को लगा दीजिए। फेविकोल को जल्दी ही लगाइए, स्लो मत करिए, क्योंकि ये फेविकोल बहुत पतला होता है और जल्दी से सूख जाता है। ये अपने फेविकोल ऑलमोस्ट लग चुका है, अभी इसके ऊपर हम सीट लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा सीट लगने के लिए रेडी है, ये हम सीट को लगा रहे। सीट को लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है आपको कि सीट को सही जगह पर रखने के बाद सही जगह पर उसको कर लीजिए, नहीं तो ये थोड़ा इधर उधर आप रख दिए तो जल्दी खिसकता नहीं है, मतलब खिसकता है ऐसा भी नहीं है नहीं खिसकता है, लेकिन थोड़ा क्या फेविकोल जल्दी सूखने से पकड़ लेता है। तो हिसाब से आपको आपका इस बात का ध्यान देना है कि मतलब आप जगह पे सही सेट करके उसको प्रेस कर दीजिए, थोड़ा रब कर दीजिए, ताकि कहीं मतलब एयर ना रहे। वैसे तो बबल्स नहीं आता, लेकिन फिर भी रब कर दीजिए। इधर ऐसे प्रेसिंग के लिए पट्टी लगा दीजिए, ये साइड भी पट्टी लगा दीजिए, पट्टी की मदद से आप पेस्ट कर दीजिए।
बैक साइड भी कुछ सपोर्ट ला के पट्टी लगा दीजिए इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पट्टी लगा दीजिए, और सामने के तरफ आप टेप लगा दीजिए, सामने इस तरह से आप टेप लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से आप टेप लगा दीजिए। और इसको अब हम 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम साइड का लगाएंगे। अब साइड का भी देख सकते हैं आप, साइड में भी फेविकोल लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हम पीस को पहले ही बिठा लिए थे। आपको बिठाने के लिए बताएं हम कि आपको रंधे को एकदम मतलब धार को धार एकदम तेज कर लेना है, और ब्लेड को कम से कम बाहर निकालना है। उस तरह से आप एक्रेलिक शीट को बिठाएंगे तो आपका एक्रेलिक शीट टूटेगा नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए हमारा फेविकोल भी लग चुका है, अब ये सीट को भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसको भी आपको ध्यान देना है कि सही जगह पर रहे, पहले ऊपर टच कर लीजिए, टच करके फिर नीचे का भी सही जगह पर रख के इसको थोड़ा रफ कर दीजिए, ताकि एयर जो रहेगा वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं हाथों से रब कर रहे, रब करने के बाद आपको सेम उसी तरह से पट्टी लगा देना है, जिस तरह से अभी देख सकते हैं आप, ऐसे पट्टी लगा दीजिए। हर तरफ से इसको भी सपोर्टिंग लगा दीजिए ताकि फूले ना, और सामने टेप लगा दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको टेप लगाना है, आप इस तरह से टेप लगा दीजिए इसको। अभी ये बैक साइड में भी छोटा छोटा पीस है, इसको भी हम सेम तरीके से चिपका देंगे। अभी हमारा पूरा सीट ऑलमोस्ट लग चुका है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं पूरा लग चुका है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर कुछ फिर भी कुछ आपको डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो हमारे को कमेंट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।